हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय माईट्यूब चैनल जोग्राफी कला है आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेक्टर मॉडल ऑफ अर्बन लैंड यूज बाय होमर होट ठीक है लास्ट वीडियो में हम लोग कंसेंट्रिंग मॉडल ऑफ अर्बन लैंड यूज के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था क्या उन्होंने थ्योरी दी थी और क्या उसी क्रिटिसज थे उसी के क्रम में आगे चले तो इसके बाद जो नया मॉडल आया था वो था अर्बन लैंड यूज का सेक्टर मॉडल जो कि होमर हेट ने दिया था ठीक सो इस वीडियो में हम देखेंगे उसके बारे में सो लेट स्टार्ट विद द मेन कॉन्टेंट सो होमर हेट ने सेक्टर थ्योरी ऑफ अर्बन लैंड यूज दी थी, थी uh, 1939 में ठीक सो बेसिकली होमर हेट जो थे वो एक अमेरिकन लैंड इकोनॉमिस्ट थे ठीक एंड ही गेव इज थ्योरी इन द ईयर 1939 उनके जो आइडियाज हैं पहली बार पब्लिश हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है और उसका नाम था द स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ रेजिडेंशियल नेबरहहुड्स इन अमेरिकन सिटीज वॉशिंगटन ठीक होइट ने कंडक्ट किया था फैक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ रेजिडेंट पैटर्न्स इन 25 सिटीज ऑफ़ यूएसए यूएसए की 25 शहरों में उन्होंने रेजिडेंशियल पैटर्न्स का एग्जामिनेशन किया था फैक्चुअल एग्जामिनेशन किया था और उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी सेक्टर थ्योरी ओके जो सेक्टर की जो होमर हेवेट की थ्योरी है वो सम सिमिलर टू बर्गेस मॉडल है ठीक है इट इज़ सम सिमिलर टू द मॉडल ऑफ बर्गेज दैट इज द कंसेंट्रिक जोन मॉडल गिवन बाई ई डब्ल्यू बर्गे सो इसको हम लोग काफ़ी बार एन इम्प्रूवड वर्जन ऑफ बर्गेस की थ्योरी कहते हैं ठीक है जो कुछ चीज़ें बर्गेस ने अपनी थ्योरी में नहीं इनकॉर्पोरेट की थी उन्होंने होट ने इन्होंने इस थ्योरी में अपनी वो चीज़ें इंकॉपरेट करी और उसका एडवांस्ड वर्जन या इम्प्रूवड वर्जन दिया सो इट्स काइंड ऑफ वेरी मच सिमिलर टू द बर्गस मॉडल सो मे लोग जब आगे पढ़ेंगे तो आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में सो लेट स्टार्ट विद द मेन थ्योरी सो होइट ने क्या बोला था कि जो सिटी का स्ट्रक्चर है जो कंसेंट वो कंसेंट्रिक सेट्स के फॉर्म में नहीं डेवलप होता है ठीक बेसिक डिफरेंस जो होइट और बर्गस के मॉडल में यही था कि बर्गस ने बोला था कि जो डेवलपमेंट होता है सिटीज़ का या जो क्लास का या जो जोन्स uh, का वो डेवलप होता है इन द फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बट होइट ने बोला था कि दे आर नॉट इन इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सेट्स बट दे लाई इन द फॉर्म ऑफ पाए और वेज शेप्ड जोन्स ठीक वेज शेप्ड जोन्स या पाए के फॉर्म में ये डेवलप्ड होते हैं अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे तो उसमें देखेंगे और उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि जो कॉरिडोर्स हैं आर डेवलप फ्रॉम द कोर ऑफ द सिटी दैट इज द सीबीडी टू द आउटस्कर्ट शहर के बीच से सेंट्रल से जो डाउनटाउन होता है वहाँ से बाहर की तरफ गॉट इट सो हेवट के मॉडल में भी सी बी डी सेंटर में इट इज़ स्टिल इन द सेंटर बट इसमें क्या चीज़ है जो uh, जो सी बी डी एक्सपैंड कर रहा है दैट इज सी बी डी दैट इज एक्सपैंडिंग दैट इज आउटवर्ड आउटवर्ड तो एक्सपैंड कर रहा है बट इट इज़ अलॉन्ग अ ट्रांसपोर्टेशन लाइन ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था होट की थ्योरी में कि उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के फैक्टर को अपने थ्योरी में इनकॉर्पोरेट किया था जो कि बर्गेस ने नहीं किया था ठीक इसलिए ये इनकी थ्योरी बर्गेस की थ्योरी से एक इम्प्रूव्ड वर्जन कंसिडर की जाती है ठीक है सो द सिटी एक्सपैंड अलॉन्ग द ट्रांसपोर्टेशन लाइन दर आर जोन्स फॉर यूज फॉर इंडस्ट्री एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनकी थेरी का वो क्या था कि लैंड यूज विद इन ईच सेक्टर वुड रिमेन द सेम बिकॉज लाइक एट्रैक्ट्स लाइक ठीक है जो एक जैसा होता है वो उसी तरह की चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ठीक है सो हर सेक्टर में जो लैंड यूज है वो सेम रहेगा हमेशा ठीक है वाई बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जो हाई क्लास सेक्टर है ऐसा सेक्टर या ऐसा जोन जहाँ पर हाई क्लास पीपल रह रहे हैं ठीक वो हाई क्लास ही रहेगा बिकॉज वो वहाँ पर जो वो जो एरिया होगा वहाँ पर रहने के लिए सिर्फ रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकते होंगे गरीब आदमी वहाँ पर नहीं रह पाएगा सो so, इसकी वजह से क्या होगा कि जो हाई क्लास सोसाइटी है या हाई क्लास सेक्टर है वो हाई क्लास ही रहेगा हमेशा ठीक वहाँ पर गरीब या मिक्स सोसाइटी नहीं रह पाएगी सेकेंडली उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो हमेशा इंडस्ट्रियल सेक्टर रहेगा बिकॉज उस एरिया में एक कॉमन एडवांटेज होगा एक रिवर का या रेलवे लाइन का ठीक है उन्होंने क्या बोला था कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डेवलप होगा शहर से अलॉन्ग अ रेलवे लाइन और अ रिवर मतलब अलॉन्ग अ ट्रांसपोर्टेशन लाइन एक किसी भी ट्रांसपोर्टेशन की लाइन है उसी के अलाग वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा सो इंडस्ट्रियल एरिया हमेशा इंडस्ट्रियल एरिया ही रहेगा तो उनके ये इस थेरी के कुछ मेन पॉइंट्स थे सो so, थेरी में क्या था जो उनका हेट का मॉडल था उसमें एंटायर सिटी एज अ सर्कल उन्होंने मानी थी जैसे कि बर्गेस ने मानी थी ठीक है और डिफरेंट लैंड यूज या फंक्शनल जोन जो हैं वो सेंटर से ओरिजिनेट होंगे और पेरी तक मतलब दूर तक बाहर शहर के बाहर के वाले एरिया जो पेरी होगा वहाँ तक माइग्रेट होंगे और जैसे जैसे सिटी एक्सपैंड होगी वैसे वैसे लैंड यूज़ में डिफरेंसेस और देखने को मिलेंगे ठीक सो डिस्टिंग डिस्टिंगटिव सेक्टर्स ऑफ लैंड वाइकली टू ग्रो आउट फ्रॉम द सिटी ऑफ एज अ मेजर रूटवेज ठीक किसी ना किसी एक रूट वे के अलॉन्ग जो मेजर सेक्टर ऑफ लैंड है वो डेवलप होगा ये हॉइट ने बोला था ओके okay. सो so, उन्होंने क्या बोला था कि जो रूट्स हैं मतलब जो लैंड यूज है वो ट्रांसपोर्टेशन रूट के अलांग डेवलप होगा ठीक और वो सेक्टोरियल सिस्टम ऑफ लैंड रहेगा और जो रेंट वैल्यूज़ हैं ठीक वो इंटर्न इन्फ्लुंस द अर्बन लैंड यूज पैटर्न सो जिस हिसाब का लैंड यूज होगा उस हिसाब का उस हिसाब से वहां पर रेंट होगा ठीक है या लैंड का प्राइस होगा और उसी हिसाब से वहां का अर्बन लैंड यूज पैटर्न चेंज होगा वहां की सोसाइटी चेंज होगी वहाँ पर ह्यूमन इकोलॉजी डिफरेंट होगी सो so, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि व्इट का जो मॉडल था वेज लाइक एक्सपेंशन ऑफ अर्बन लैंड यूज इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑन द अर्लियर कंसेंट्रिक जोन ऑफ बर्गस ठीक जो बर्गस ने मॉडल दिया था कंसेंट्रिक जोन का उससे काफ़ी इंप्रूव वर्जन था बिकॉज जो हुईट का मॉडल था ये डिस्टेंस और डायरेक्शन ऑफ एक्सपेंशन दोनों को कंसिडर करता है दोनों को दोनों की अकाउंटेबिलिटी देता है ठीक एंड टेक्नोलॉजी द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रूट ऑन द ग्रोथ ऑफ द सिटी और होइट का जो मॉडल है ये ट्रांसपोर्टेशन रूट्स को इम्पोर्टेंस देता है कि अगर कोई शहर ग्रो कर रहा है ठीक द ग्रोथ ऑफ द सिटी इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत होती है एक शहर के डेवलपमेंट के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन लाइन अच्छी होगी वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया होगा तो उस ट्रांसपोर्टेशन लाइन के अक्रॉस जो आगे बाद में अर्बन स्प्रॉल जैसा कॉन्सेप्ट आया कन्नरबेशन जैसा कॉन्सेप्ट आया कन्नरबेशन में क्या होता है बेसिकली एक ट्रांसपोर्टेशन रूट के अलॉन्ग जितने भी मेन मेन सिटीज़ होते हैं वो आपस में क्वालिश कर जाते हैं क्वालिशंस कर जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं uh, कन्रबेशन सो so, कुल मिलाकर के जो बर्ग ये जो होइट का मानना था कि ट्रांसपोर्टेशन रूट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो आज के टाइम पे एकदम परफेक्टली फिट होता है ठीक है ओके okay. सो so, हम लोग जरा मॉडल देखते हैं और उनका डायग्राम देखते हैं सो so, होइट ने पांच जोन्स दिए थे जैसे कि बर्गस ने भी पांच जोन्स दिए थे इन्होंने भी पांच जोन्स दिए थे अपने जो वेज स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था पहला जोन था सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो कि कॉमन था सेकेंड था ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री थर्ड था लो क्लास रेजिडेंशियल जोन फोर्थ मिडिल क्लास रेजिडेंशियल जोन एंड फिफ्थ हाई क्लास रेजिडेंशियल जोन सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में कि उन्होंने अपने मॉडल में कंसेंट्रिक जोन्स नहीं बनाए थे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेंटर में ही है वन नंबर बट जो बाकी के जोन्स हैं जो बाकी के एरियाज हैं रीजन्को उन्होंने पाई शेप में या वेज लाइक स्ट्रक्चर बनाया था ठीक सो so, ये इनका मॉडल था और ये इनके पाँच जोन्स हैं ठीक अब इन सारे जोन्स को एक ही करके डिस्कस करते हैं पहला जोन है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या सी बी टी ठीक जैसे कि जितने भी क्लासिक मॉडल्स ऑफ लैंड यूज हैं उसमें सब में सी बी टी का कॉन्सेप्ट आता है ऐसे अभी हम लोग आगे मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी देखेंगे उसमें भी सी बी डी का कॉन्सेप्ट है बर्गेज के मॉडल में मैंने आपको सी बी डी के बारे में बताया था सी बी डी क्या होता है कि हर सिटी में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट होता है या ऐसा जोन होता है जो तो कि सेंटर में होता है ठीक जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स बैंक्स लार्ज बिजनेस हेडक्वार्टर्स उस सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जुडिशियल हेडक्वार्टर्स सब उस एरिया में सिचुएटेड होते हैं बेसिकली वो उस एरिया का एकदम वर्किंग जोन होता है ऑफिशियल जोन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जोन होता है वहाँ वहाँ से उस शहर का सारा काम होता है ठीक ये एकदम कमर्शियल और नॉन रेजिडेंशियल जोन होता है ठीक एंड इट इज़ द बिजनेस सेंटर ऑफ द सिटी इसलिए इसको लोग सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल मैन जो है वो न्यूयॉर्क का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है या डेली में एक प्लेस देख सकते हैं ठीक एज एज इट इज़ एक्सपैंड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक इनोवेशन ट्रांसफॉर्म द स्टाइल ऑफ़ लिविंग एंड ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ़ सिटी ओपन स्पेसिस आर बिंग बिल्टअ अपट एंड अपाई बिल्ट फॉर्म रिजल्टिंग द कंजस्ट एन एल द इनवामेंट जैसे जैसे शहर एक्सपेंड करता है नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती साइंटिफिक इनोवेशन आते हैं उसकी वजह से क्या होता है स्ट्रक्चर एक्सपेंड करता है जो स्टाइल ऑफ लिविंग है और जो अर्बन स्ट्रक्चर है वो सब चेंज हो जाता है ठीक है पहले के टाइम क्या होता था जो अर्बन एक्सपेंशन होता था वो हॉरिजोंटल फैशन में होता था कि घर बन रहे हैं वहाँ पर विलाज बन रहे टाउनशिप बन रही है बट अब क्या होता है कि पर्टिकुलर सिटी में क्या है लैंड का प्राइस बहुत हाई है कंजेस्टिंग बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन हो आ रही है गाँव से शहर की तरफ अर्बनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है सबको घर चाहिए तो अब क्या करना है अब अगर, अगर, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट करेंगे तो उससे तो शहर गांव कब गांव कब शहर तो कुछ पता ही नहीं चलेगा सब आपस में मिल जाएगा सो so, इसलिए अब वर्टिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हो रहा है अब शहर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं ठीक बड़े बड़े 16 16 20 20 25 पच्चीस माले के या मंजिल के घर बन रहे हैं फ्लैट्स बन रहे हैं अपार्टमेंट्स बन रहे हैं टाउनशिप्स बन रही हैं और मतलब पूरे पूरे शहर बसाए जा रहे हैं मतलब एकदम तो वर्टिकल डेवलपमेंट ऊपर की तरफ अब नीचे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ऊपर वर्टिकल डेवलपमेंट हो रहा है ठीक है सो क्या हो रहा है ओपन स्पेसेस जो है वो बिल्डअप लैंड से हो जा रहे हैं कंजेस्ट हो रहा है और अनहेल्दी इन्वायरमेंट भी है नेक्स्ट जोन था वो था इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रीज इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर रेडिएटिंग आउट फ्रॉम द सेंटर एक सेंटर से बाहर की तरफ जो था वो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर था एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण था वो था ट्रांसपोर्ट लिंकेज ठीक कोई एक प्रेजेंस ऑफ एक रूट होगा या रेलवे लाइन होगा या रिवर होगा या रोड होगा उसकी वजह से वो इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हुआ है अलॉन्ग अ ट्रांसपोर्टेशन लाइन ठीक है सो so, एक कॉन्टीस सेक्टर डेवलप होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज ट्रांसपोर्टेशन लाइन्स और इस एरिया में नॉइस पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा होगा और जो यहाँ पर लोग रह रहे होंगे पहली बात तो रह नहीं रहे होंगे बिकॉज यहां पर बहुत खराब है रहने के लिए तो जो पुअरेस्ट हैं वही यहां पर रह रहे होंगे जो सबसे गरीब लोग हैं उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है रहने को और बाकी भी जितने भी अमीर लोग होंगे या मिडिल क्लास लोग होंगे वो सब यहाँ से भाग जाएंगे ठीक सो so, कुल मिलाकर के इंडस्ट्रियल सेक्टर ये होता है जिसमें एक अलोंगा ट्रांसपोर्टेशन लाइन डेवलपमेंट होता है नेक्स्ट इज लो क्लास रेजिडेंशियल जोन लो क्लास रेजिडेंशियल जोन में क्या होता है लो इनकम पीपल लोग रहते हैं यहां पर नैरो रोड्स हाई पॉपुलेशन डेंसिटी स्मॉल हाउसेज पुअर वेंटिलेशन ये सब चीजें देखने को मिलती हैं पतली पतली सड़कें जो कि इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं बिकॉज इस एरिया के ज़्यादातर लोग इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही वर्क करते हैं जो इंडस्ट्रियल जोन था उसी में काम करने के लिए आते हैं बिकॉज ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के बिकॉज ये जो लोग रह रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं सो वो इसलिए यहाँ पर रहते हैं बिकॉज ये क्लोज है इंडस्ट्री से ठीक है सो इसकी वजह से ट्रैवल कॉस्ट उनको कम कर देता है ये बिकॉज अगर कहाँ पर कोई वर्कर काम कर रहा है इंडस्ट्री में तो उनको वहाँ तक आने के लिए अगर वो दूर रहेंगे तो ट्रैवल कॉस्ट देना पड़ेगा सो अगर वो लोग पास में रह रहे हैं तो वो ट्रैवल कॉस्ट उनका कट कर देगा इस वजह से इंडस्ट्रियल वर्कर्स को ये अट्रैक्ट करता है इवायरमेंटल लिविंग कंडीशन बहुत ही इनएडकेट होती हैं पर बिकॉज ये फैक्ट्रीज़ की बहुत नज़दीक जोन होता है नेक्स्ट जो है हमारा मिडिल क्लास रेजिडेंशियल जोन ये मिडिल इनकम ग्रुप्स वालों के लिए जो कि एक सब्सटैशल ट्रैवल कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं और बेटर लिविंग कंडीशन चाहिए होती हैं मतलब ट्रैवल कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन बहुत दूर से नहीं आ सकते हैं एक सब्सटैशल एक लेवल का ट्रैवल कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं बट इनको बेटर लिविंग कंडीशन भी चाहिए होती हैं ठीक सो so, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं नॉट जस्ट इंडस्ट्रियल वर्क मतलब और भी काम ये लोग करते हैं मिडिल क्लास रेजिडेंशियल जोन वाले सिर्फ इंडस्ट्रीज में काम नहीं करते इट हैज़ मोर लिंकेटेज विद सीबीडी बी अलॉन्ग द सेम सम लिंकेजेज टू इंडस्ट्रीज़ और ये जो जोन होता है ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है मतलब पूरे जितना इन्होंने थेरी दी थी उसमें सबसे ज़्यादा एरिया मिडिल क्लास रेसिडेंशियल जोन ऑक्यूपाई करता है नेक्स्ट एंड लास्ट हाई क्लास रेजिडेंशियल जोन वेट के मॉडल में इन्होंने इलाइट जोन लिखा था बनाया था जिसमें अपर क्लास पीपल रहते थे जो लोग हाई इनकम ग्रुप वाले लोग होते थे वो रहते थे फॉर एग्ज़ाम्पल शिकागो में एक मिशिगन एवेन्यू है जो कि इलाइट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बड़े अमीर अमीर लोग रहते हैं हाई क्लास रेजिडेंशियल सेक्टर जो होते हैं क्वाइट क्लीन और लेस ट्राफिक दिन अदर वंस होते हैं बिकॉज यहाँ पर बहुत शांति रहती है बिकॉज सब लोग काम पे चले जाते हैं सब लोग सर्विस सेक्टर में नॉलेज सुबह जॉब पे चले गए शाम को आए ठीक तो काफ़ी शांत रहते हैं क्लीन रहते हैं और लेस ट्राफिक रहता है कहीं कहीं पर कहीं कहीं पर ये देखा जाता है कि जितने भी हाई क्लास डिस्ट्रिक्ट होते हैं ये वेस्ट साइड में पाए जाते हैं ठीक ये अमेरिका की बात हो रही है इधर से प्रिवेलिंग विंड एंटर करती हैं ताकि अगर इंडस्ट्रियल जोन की तरफ से विंड्स आ रही होंगी तो सारी गंदगी या धूल मिट्टी बदबू सब उनकी तरफ लेके आएंगी सो so, इसलिए वेस्ट साइड होते हैं ताकि वेस्ट साइड से विंड्स आए तो वहाँ पर कूड़ा कचरा या गंदगी ना लेके आए ठीक सो so, बहुत ही कम होता है कि जो हाई क्लास रेसिडेंशियल जोन होते हैं वो फैक्ट्रीज या लोअर क्लास एरियाज के पास बाई आदर इट इज़ वेरी रेयर ठीक है so, सो इस तरीके से हुईट का जो मॉडल है ये बहुत ही डिस्टिंग फिजिकल सेपरेशन दिखाता है बिटवीन वेल्दी एंड पुअर गरीब और अमीर के बीच में बहुत ही अच्छा खासा सेपरेशन उन्होंने अपने मॉडल में दिखाया था बिकॉज उन्होंने अपने मॉडल में पहले ही बोला था लाइक अट्रैक्ट्स लाइक अगर जो गरीब लोग हैं वो अमीर लोगों के पास एकदम से रहने नहीं चले जाएंगे ठीक सो so, उन्होंने ये जोन्स बताए थे पाँच जोन्स ठीक है जो कि काफ़ी सिमिलर हैं टू बर्गस का मॉडल ठीक है सो so, ये बात हुई बट उन्होंने क्या फ़ायदा था यहाँ पर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड किया था ठीक सो so, आप लोग जरा सिग्निफिकेंस देखते हैं इस थेरी का सो so सिग्निफिकेंस में उन्होंने इकोलॉजिकल फैक्टर्स इकोनॉमिक रेंट दोनों को एक्सप्लेन किया था लैंड यूज पैटर्न बताने के लिए सेकेंड उन्होंने रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट का जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सिटी है उसमें क्या सिग्निफिकेंस है क्या रोल है उसको बहुत ही अच्छे से बताया था तो ये बहुत ही अच्छी बात है बहुत ही अच्छा थेरी मानते हैं इस बारे में नेक्स्ट बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ फ्रॉम द सिटी आर कंसिडर डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चीज़ें कंसिडर की थी ब्रिंग्स लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वयरमेंट एम्यूनिटी वैल्यूज उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रियल और इन्वायरमेंटल जो वैल्यूज़ हैं दोनों को डिटरमाइन बताया था कि दोनों चीज़ें रेजिडेंशियल प्लेस को डिटरमाइन करती हैं मतलब जो अमीर लोग ऐसे मैंने बताया था अमीर लोग जो हैं वो मतलब गंदगी ये फैक्ट्रीज के पास नहीं रहना चाहते हैं वो लोग दूर रहते हैं शहर से ओके okay, सो so ये तो सिग्निफिकेंस ऑफ हर्ट्स का मॉडल था अब कुछ क्रिटिसिज्म भी थे इनकी थेरी के अब इनके क्रिटिसिज्म्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में सो so पहला क्रिटिसिज्म था कि उन्होंने सिर्फ रेलवे लाइंस को डेवलप यूज़ किया था फॉर ग्रोथ ऑफ सेक्टर्स ठीक उन्होंने मतलब लाइन्स को डेवलप किया मतलब यूज़ किया जैसे कि रेलवे लाइन हो गई या रिवर हो गई या रोड हो गई बट प्राइवेट कार्स भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है मतलब रेलवे तो है रेलवे से लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं बट उनके पास कार भी तो हो सकती है कार से भी तो अलाउंस मतलब वो अलाउ कर सकते हैं प्राइवेट कार्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन सो उन्होंने ये प्राइवेट व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट अपने थेरी में नहीं इंक्लूड किया नेक्स्ट उन्होंने एक मोनोसेंट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिया मतलब एक ही सेंटर है बट अब आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं होता है हर शहर में एक से ज़्यादा बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट होते हैं और ख़ासकर इंडियन सिटीज़ में तो एक कोई बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट होता ही नहीं एक से ज़्यादा बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट होते हैं या सीवीडीज़ होते हैं उसके बाद उन्होंने फिज़िकल फ़ीचर्स के बारे में डिस्कस नहीं किया ठीक फिज़िकल फ़ीचर्स में रिस्ट्रिक्ट या जो स्पेसिफिक वेजेस हैं ठीक ये जो डायरेक्ट ग्रोथ है लाइन के अक्रॉस वो हैंडल हो सकती है ड्यू टू द फिज़िकल फ़ीचर्स ऑफ दैट एरिया उनका टेराइन उसका क्लाइमेट या उसका सॉयल इन सब से भी उन्होंने टाउन डेवलपमेंट के बारे में कोई बात नहीं की थी कोई रेफरेंस नहीं दिया था एंड इनका जो थेरी है सिमिलर टू बर्गेस ये ज़्यादातर जो यू की सिटीज़ हैं इनमें एप्लीकेबल होता है एंड जो बाकी भी कंट्रीज़ हैं उनमें कुछ में मान सकते हैं हो सकता है लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनमें ये फिट नहीं होता है सो so ये तो बात की हम लोगों ने लिमिटेशंस ऑफ वेट्स मॉडल सो so इसके बाद एक थेरी बची है मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल की जो अर्बन जोग्रफी से रिलेटेड है या सेटलमेंट जोग्रफी से रिलेटेड है ठीक है सो so, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा ना पसंद है डिसलाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद